हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे नव उदय बैच जो कि क्लास 8 का बैच है, इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग देख रहे थे, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 1-4 तक के क्वेश्चंस को हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग 5 से लेके 7 तक के जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नंबर्स के दिए हुए हैं, हमारे को ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके मल्टीप्लीकेशन किया गया है। तो देखो, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज के मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देखिए, तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी आप यहाँ क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। पहले इन क्वेश्चंस को भी आप खुद करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद में अगर नहीं आता है कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे आके सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने इस नंबर को क्या किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ भी इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, दोनों रिजल्ट्स बराबर ही आएंगे। और कितने आएंगे, -5/4। तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, आप लोगों ने अगर वीडियो देख लिया हो तो, कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट वही आता है, और उस 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पर भी क्या हुआ है, 1 एज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो हम बोल देंगे यहां पे क्या प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, 1 इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया गया। अब यहाँ देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो या इसको इससे करो, दोनों का मतलब सेम ही तो है, रिजल्ट है। तो ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो। तो ये थी हमारी मल्टीप्लीकेशन के लिए कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या होगी, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, एडिशन के लिए भी वैलिड होती थी, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में यहां देखो, इस वाले नंबर के रेसिप्रोकल को क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना आया, 1 आया। तो हम लोगों ने इससे 1-4 तक के क्वेश्चंस में भी इनको सोल्व करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी भी नंबर के उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है, रेसिप्रोकल को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोला जाता है। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है कि 29/-19 इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, ठीक है, ऑफ किसका रेसिप्रोकल है, 29/-19/29। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो आ रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी। आई होप ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के और अदर क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी हमें इस नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम एक ही काम करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ही फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 कितना होगा, विच इज इक्वल टू 16/-7। फिर क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 6/13 और इसके रेसिप्रोकल यानी कि 16/-7, इनका प्रोडक्ट हमें बताना है। तो अगर कोई दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो देख लो, अदरवाइज सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 96/-91। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। 16 6 कितना होगा, 96 हो जाएगा, और 17-7 करेंगे तो -91 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, इन दोनों में वैसे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, केवल जो डिनोमिनेटर माइनस का है इसको प्लस का बना के लिख सकते हो। तो कैसे बनाओगे, ठीक है, दोनों को क्या कर दो,
माइनस के वन से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी माइनस के वन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था। वहाँ पे क्या किया था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसको जो नया रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन मिलेगा वो भी उसके इक्विवेलेंट ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस का 96 हो जाएगा और नीचे प्लस का 91 हो जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट नीचे वाले माइनस को ऊपर लिख सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही अब हम ये देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या है, टेल अबाउट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें बताना कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अंदर क्या पढ़ा था कि तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो किसी भी दो को पहले कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो कहलाती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही हो रहा है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया फिर इन दोनों को कर दिया, रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो क्या हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। उसने यही बोला था कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है, जिसमें हमने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके 5 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आने वाले लेक्चर में हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को भी पूरा सोल्व कर लेंगे। इसी के साथ हमारी फिर 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।